धम्मपद गाथा 32 32 ये अपमाद वग्गो की सबसे आखिरी गाथा है। इसमें 12 गाथाएं हैं जिसकी ये आखिर है। अपमाद रतो भिक्खु पमाद भय दस्सीवा ए भब्बो परिहानाय निब्बानस्सेव संति के। 31वीं जो गाथा थी इसमें और 32वीं की पहली लाइन बिल्कुल सेम है, यानी एक सी लाइन है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये जो कथा है इसकी वो इस प्रकार है। निगम वासी एक जगह का नाम है, वहां का एक बंदा है। निगम शहर को बोलते हैं जहां सारे नाग लोग रहते थे, उसको नगर या निगम या नागरिक या नागरिकता, नाग से ही बना हुआ शब्द है। तो निगम वासी एक जगह है, वहां पे तिस्से स्थिवर यानी तिस्से भिक्कु हैं, वो ध्यान मग्न है। जैतवन की ये घटना है। तो जो तिस्से भिक्कु हैं वो बहुत ही अल्प इच्छाधारी हैं, यानी कि उनके पास सारी इच्छाएं उनकी खत्म हो चुकी हैं, मगर शरीर को चलाने के लिए जितना भोजन उन्हें चाहिए उतना भोजन वो प्राप्त करने के लिए जाते हैं। नगरवासी उनका गांव है, तो वो नगरवासी गांव में ही उनका समीप है, वहां वो जाते हैं और सारे उनके सगे संबंधी हैं। तो जो भी सगा संबंधी उनको देखता है वो उनको भिक्का दे देता है, और भिक्का जितनी उन्हें सफिशिएंट होती है उतनी वो लेके वहां से चले आते हैं। तो सारे भिक्कू संघ में ये बात हुई कि जो तिस्से भिक्कू हैं उन्होंने अभी अपना परिवार का मोह नहीं छोड़ा है, वो बार बार अपने गांव जाते हैं और अपने सगे संबंधियों से मिलते हैं। चर्चा चली, क्योंकि विनय के नियम के विरुद्ध है, चर्चा चली मोह माया छोड़नी है, तो भगवान बुद्ध तक भी पहुंची बात। भगवान बुद्ध ने तिस्से स्थिवर को भिक्कू को बुलाया और पूछा कि क्या ये बात सही है कि वो अभी तक अपने सगे संबंधियों का मोह नहीं छोड़ पाए हैं और बार बार वहां जाते हैं और भिक्षा वहां लेके आते हैं और उनसे मिल के आते हैं। तब जो तिस्से भिक्कू हैं, तिस्से स्थिवर हैं, वो कहते हैं कि भगवान मेरी इच्छा बहुत कम है, मैं बहुत कम खाना खाता हूं, इसलिए मैं समीप का जो गांव है वहां जाता हूं, वो मेरा ही गांव है और जो मुझे दिखाई दे देता है वही मुझे भिक्षा दे देता है, उससे आगे मैं नहीं जाता। यानी कि जहां से मेरा काम पूरा हो गया, दिखा मुझे भिक्षा मिल गई, वहां से मैं चलाता हूं, फिर आगे किसी से नहीं मिलता मैं। और इसीलिए कि मेरा समय बचे और मेरा जो आहार है वो कम है, इसलिए मैं वहां जाता हूं। क्योंकि भगवान तो बहुत आर पार का दूर का भी देख लेते थे, बॉडी लैंग्वेज से, बात से, चीज से और अंदर तक का पूरा सॉफ्टवेयर जान लेते थे, इसलिए उन्हें पता चला कि ये सच बोल रहा है। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही। ये गाथा आखिरी गाथा है। अपमाद रतो भिक्खु, यानी ए प्रमाद में जो भिक्खु रत रहता है, जो राग द्वेष से दूर रहता है। पमाद भय दस्सीवा, पमाद से भय दस्सी यानी कि जो पमाद में भय को देखता है, भयभीत होता है, डरता है, वा माने या वो पमाद से डरता है। ए भब्बो परिहानाय, ए भब्बो का मतलब है अयोग्य, भब्बो माने होता है योग्य, और ए भब्बो हो जाए तो अयोग्य, किसके लिए? परिहानाय, परि माने पूरी और हानाय माने हानि, यानी कि वो हानि के लिए अयोग्य है। इसका मतलब है कि उसकी हानि नहीं हो सकती। ए भब्बो परिहानाय, निब्बानस्से वै संति के। निब्बानस्से का मतलब है निब्बान के लिए, वे माने ही और संति के माने समीप, जैसे कहते हैं कि ये हमारा बहुत सन्निकट है यानी कि समीप है, तो संति के यानी कि ऐसा भिक्कु निब्बान के बहुत ही करीब होता है, वो अपने दुखों को जल्दी ही मुक्त कर लेता है। यानी कि जो प्रमादी ना हो, अप्रमाद में रत रहता हो, प्रमाद से भय खाता हो, और जो बहुत ज्यादा अपनी हानि करने के लिए अयोग्य हो, जिसका नुकसान ना हो सकता हो, वो ऐसा भिक्कु अपने निब्बान के करीब है। ये है आखिरी गाथा अपमाद वक्की। धन्यवाद।